उतार के रख लो। जेब में डालो। Thank you.
कीर्तन का बेटा मथुरा वृंदावन भागवत सुना भागवत और वृंदावन का है ना, जब उनके यहाँ भागवत भाई रही ना, वही महाराज जी बुलाए रखे और सात आठ दिन का चला गया। भगवान विष्णु मंगलम ग्रंथम जी का मंगलाय तनो हरि मंगल मंगले दिवे सर्वाशादिके चंद्रायन जन्मदिन होगा भैया, पृथ्वी गौर गणेश प्रधान वग्रह पूजन विष्णु पूजन हनुमत पूजन ही करता है, निकली चंद्र के नहीं जब तक चार पूजन निकली चंद्र के नाम जब तक उनके हाथ में उसकी संकल्प संकल्पम खुद याद हो तब तक चार पूजन देवन महागणाधिपते महाभूत शुद्ध हो जाए जलम स्थानीय हम सुमन जल से स्नान करवाई पृथ्वी गणेश गौरी वरुण नवग्रह शुद्ध हो जाए जलम स्थानीय हम समर्पयामि प्रातः हम जलम तथा भोजन हम प्रेम नमः गणाधिपते नमः गंगा चित्रा गंगा सरस्वती गोदावरी च नर्मदा शाजन महागा गुरुः सती नदी कुर्वन्ती वयाम कौन कुछ है महाराज सब अत्ते हरे ओ माता चार भोजन हल्दी सिंह हल्दी लगा पृथ्वी गणेश गौरी वरुण हरे प्राणियाम चतुरम कर्ता पितम यादव चंदनम तिरका काम चार भोजन श्री मन महागणा दिव तेज महा हरे प्राणियाम चतुरम कर्ता पितम यादव चंदनम तिरका काम चार भोजन श्री मन महागणा दिव तेज महा भगवान के नाम
ऐसे सिंदूर लगा दे, जहाँ जहाँ हल्दी लगाए वहाँ वहाँ सिंदूर लगा दे। अरे हमारे सिंदूर हम चुका हम ये सुना दिए हम जब हम सिंदूर हर लाल बदे लड़ी हम जोधा का दो दिन का धनवा चल हम तो क्या काम लगता चार कोज हम देख महान लाल बदे महापालिका देख रहे हैं हमारे पास रहते हो यार हमारे पुष्पानी हमारे काम रुझा थम पुष्पये हमारे जीवन महान बदे मां कुल जनावर तोड़ तोड़ के चढ़ा दो अरे तोड़ लो हरे ओम तांबूलम दे तांबूलम तांबूलम स्वाहा प्रभाति अंगम पूजनम जीवनमे प्रभाति अंगम श्रीकृष्णे नम ग्रं श्री हनुमते नम श्री नारायण भव नम गर्भदेव भव नम सिद्धबुद्धसहिताय महागणाधिपते नम ते विष्णवे नम पुनः प्रियं जलम जल मानय जनकांजला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 जल
Done.
जनाथ
नहीं नहीं अपने हिसाब से जैसे बताए महाराज हल्दी करी हमारे काम में फान जाता हमें यहाँ जाकर देनी ही चाहिए यहाँ जाकर भाई से तन सन रोज कथा हो नहीं साल चल रही भगवान साल भर में कथा सही है सही है तो थोड़ा निराल से हुआ चाहिए भाव से हुआ चाहिए ये पंडित तो कौ भाजी लगा रहा था जितने जल्दी बात जाए तो दूसरा हमें कम है हमें तो पैसे बैठ रहा है पूजा पाठ कर आगे पर सीकर सुना दिए मैं अब तो बैठे चार बजे अपने आप उठाने सही है भोजन कहा दौड़ने वाले थे पैसे जैसे बैठे पाने तैसे सब दिन पा भगवान 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 भगवान
भगवान सत्यनारायण धारण करके प्राणी भाजपा सत्यनारायण ब्राह्मण आप अत्यंत दुखी होकर के छुट्टी भी कम दमन करते होते बोले हम अत्यंत गरीब हैं भोजन के लिए तरसते हैं भिक्षा ग्रहण करते हैं जो भगवान के उनके परिवार का पालन करते हैं भगवान को वयो दुख लगा एक तो वयोवृद्ध है दूसरा भोजन के लिए पृथ्वी को भ्रमण करता है भिक्षा ग्रहण करता है नंगे पैर रावण कहता सुजीर हमसे ज्यादा ही सयाने हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण है पूछा तुम पाई जाना कृपया ये गरीबी दूर करेगा कौन पाई जाने तो बताई भंग हो गए इस गरीबी पेट भर भोजन नहीं मिलता थोड़ा बहुत मान जान के लाए थोड़ा बहुत खाए रात को नहीं आए सोए नहीं बड़े सवेरे उठे नहाए धोए झोली झंडा लेके भ्रमण करने के लिए तैयार होते भिक्षा रटन करने के लिए तो भगवान बताए थे कि जब जाने तो संकल्प किसी भी चीज़ का संकल्प अब कथा सुन लिया है पहले संकल्प दिया यदि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी भिक्षा रटन करना बंद हो जाएगा तो भगवान की कथा भगवान सुन लिया अंगूठी नहीं मिलती थी घर में जाए महाराज आगे बढ़ा सुबेर भर एक ब्राह्मण के बारे में लोग नहीं महाराज आगे बढ़ जाए आत्मा ने परमात्मा संकल्प लगता है जब एक गाना नहीं मिला हवेली खड़ी है उसे भी दुख लगता है इतनी बड़ी हवेली किस काम की एक ब्राह्मण के मूठी अनाज आगे बढ़ गया दूसरे घर में गया पाया तो पाया नहीं तीसरे में बढ़ गया ऐसे बढ़ते बढ़ते शाम को आया तो मूठी अनाज पाया पाँच आदमी हैं खाएंगे लेकिन रूठी नहीं आती है आत्मा में परमात्मा सत्य है मूठा सुन गए सुना दिया बच्चों को श्रेष्ठ हो वो ब्राह्मण अब दूसरे दिन वो संकल्प दिया भगवान को बताए कि अब कथा सुनो सारी गरीबी दूर हो जाएगी बोले ठीक बड़े पेट अपन खाए तो संकल्प दिए क्या जो भगवान भिक्षा रत्न करने में मिलेगा वो आपके कथा में लगा देंगे चुप नहीं खिलाएंगे आपके कथा में लगा देंगे इतना संकल्प किया कि भगवान खुद बोले जहाँ मुझे नहीं मिलती थी कहाँ सूखा से मिलेगा एक एक सूखे अनाज चार से घर गए थे ज़्यादा वजन उठा नहीं सकते थे वो कचरी बांधे चार सौ सूखा ले जाकर बाजार में बेच दिए क्योंकि बहुत अन्न मिल गया भगवान की कृपा हो गई कथा सुनना है कथा होगी कब जब कथा ही धर्म जब उनका पैसा हो तब कथा होगी क्योंकि ब्राह्मण को देना है प्रसाद खरीदना है चार गौ ब्राह्मण को निमंत्रण करना है पाँच आदमी पर साथी संगति को लाना है आखिर 150 आदमी का खर्चा हो गया जब कथा ही धर्म कथा को हो गए सर्व दुख है और संसार के जितने दुख रहे सब दूर हो गए क्योंकि संकल्प किया जो कथा सुन मान जान के आया बोला भगवान बहुत किए रमणी को बोला जा रहे हैं पंडित बाबा को बुलाने आप लोग पंडित बनाओ फल प्रमोशन लगे बताता है तो आज ही कथा सुनना कल के लिए नहीं आज ही अभी हम जा रहे हैं चले गए पंडित बाबा को बुलाने वहाँ से आए चार घटकोला पर उसी फल अनुमत दिए और आए घर पर इधर रोड पंजीरी बन गया कथा की तैयारी हो गई कथा पूरी हो गई सब नंदन दादे वहाँ पर मैं आज माथम गए जो कथे बन गया तंत्र में कम से कम बाजों में जाप दीजिए तो बाजों में आता है तब वहाँ हम काटता तो वहाँ जाने का बंध बंधनों के साथ सोने के साथ हम पाँच तना डाल के पता जब कथा स्टार्ट होता है उसी समय उन्हीं का तो लकड़हारा भी पहुँच गए मुझे घर दीक्षा रटन करते हैं तो वहाँ लकड़ी बेचना पड़ता है कहीं तो कैची तो नहीं डाले सुना हाथ लकड़ी को बाहर रख दिया खाया जल दिया महाराज का महाराज इतनी बड़ी छोटा ब्राह्मण आप तुम्हारे पार में बैठे हैं भोजन के लिए यज्ञ हो रही है हमको तो जानते हो तुम्हारे साथ ही भिक्षा रटन करते हैं भोजन नहीं मिलता आज इतनी बड़ी यज्ञ
बोले उपाय में नहीं जाना सी, हमको भी उपाय बताओ, हम भी सीख रहे हैं जब तुमने किया, हमें भी भगवान दे। बोले अपने मन में संकल्प देने वाले संकल्प ही दे, संकल्प ही किया। क्या करता है भगवान सुन लिए, उस लकड़ी की कीमत भगवान डबल कर दिए, 2 रुपए की लकड़ी उसकी कीमत भगवान 4 रुपए कर दिए। अब वो जाता कहाँ है बेचने, जगान गरे लंबे धन जिस नगर में बड़े बड़े धनी लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में जाता है लकड़ी बेचने, भगवान की कीमत डबल कर दिए, डबल कीमत ने पूरी गठान की गठान दी गई। आने दिन 2 रुपए कोई नहीं, दिन भर शहर में भागे, शाम के आ जाए खा के धंधा तो कुछ हुआ नहीं, काट के का सामान। परिमन ने विचार किया कि हम भगवान को संकल्प किया था सब खोलने के, आज ही कथा वो भी लकड़ी बेच के आया, पुत्र बाजार गया, सारी सामग्री ले आया, क्या इरम्भा फल अंक तंजीरम गोध मच चतुर्दम, सारी सामग्री को सागर के अपने घर में आया, का सुनम दुआ जन जो दर्शन को मुकरम को एकदम पत्थर की तो प्रिय होगा पूजा बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण तत्व तत्व प्रभावेनो, वो भगवान सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से धन और पुत्र से युक्त होकर के यह संसार में सुख भोग कर मरने के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये प्रभा का निर्देश सत्यनारायण ने कुछ कथाया द्वितीय अध्याय बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, रघुनाथ स्वामी की जय। धनमंडलाकार व्यापकों में निजराजन ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करते थे, उनके प्रतिपिता थी, दोनों बदन सारे भगवान सत्यनारायण के पूजन करते हैं, पूजन का ही करते हैं, कितना बड़ा डेरा तो है पर संतान नहीं रहा, संतान न होने के कारण पद पत्नी दोनों दुखी रहते, भगवान विष्णु की पूजन कर रहे हैं तो उसी समय वैष्णवनिया भी पहुँच गया, बोले महाराज जी क्या कर रहे, बोले भगवान विष्णु की पूजन कर रहे, काहे नहीं कर रहे, बोले हम देश के राजा हैं, हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, कमी इस बात की है कि संतान नहीं, संतान न होने के कारण पद पत्नी दोनों भगवान की पूजन, बोले वही बात हमारे भी गिरा कोठी बहुत व्यापार चलते हैं, बहुत संपत्ति है पर बारिश कोई नहीं है, संतान हमारे लिए कोई नहीं है, बोले अभी भगवान विष्णु की पूजन करो, तीनों वाला तो कोई आओ ठीक है, लेकिन उसे यकीन क्या होता है कि तब से भजन लीला बनी सती बनती कदम लपड़ाए पूजा देख मंत्री सब बच्चे धार से चीना में गर्भवती है पति के साथ संसारी धर्म में संतुलित भगवान सत्यनारायण के पास से लीलावती गर्भवती हो गई, जिसने महीने में उसे एक तत्व की श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया, और कन्या जिस प्रकार शुक्र पक्ष का चंद्रमा बढ़ता उसी प्रकार दिन में बढ़े लगी, कन्या का नाम कलावती रखा गया, तत्पश्चात लीलावती अपने पति से कहते हैं स्वामी आपने जिस व्रत को संकल्प किया है उसे कंडिका के साधु बाजा विवाह से कनिषा में तुम्हारे आसमान का रहा, व्रत बनिया बोला कन्या हुई है खर्चे खर्चा है दे नहीं देना है, इसलिए जब शादी करेंगे उसमें पंडित जी भी रहेंगे, दोनों कथा एक साथ में हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी कथा भी हो जाएगी, एक खर्च में दोनों काम हो जाएंगे, बार बार खर्च करने का कोई मतलब है नहीं, वो बेचारी क्या करे, पति कोई काम नहीं कर रहा तो पत्नी क्या करे, ना करो कि मत हमला नहीं किया, संकल्प किया वो तो नहीं किया, और कहाँ चला गया पढ़ने चला गया खाने कमाने के लिए, अब वो बेचारी घर में पत लीलावती और कलावती विवाह के समय करेंगे मालामी कहे गुना
थोड़े ही समय में लड़की सयानी हो गई, शादी हो गई, आप अपने माता पिता देखे लड़की सयानी है शादी करने के लिए, अपने नौकरता को बुलाए बोल हमारे देखे पेट सुंदर लड़का धनवान घर द्वार अच्छा से बोल के ले आओ अपने लड़की का विवाह कर नौकर जाकर गए कंचन कंचन माने सोलह सोलह जैसी नगरी में अपने पुत्र का विवाह कर दिया पर व्रत करना भूल गया, कथा सुनना भूल गया, अपनी माँ कर दिया, लड़की का विदा कर दिया, दमाद लेके बाद देर चले गया खाने कमाने पर अपने भगवान जी हो गए नाराज कि हमसे बार बार ले लेता है वरदान पर हमारी कथा नहीं सुन, भगवान जी हो गए वो नाराज हो गए और क्या तो कहते हैं कि राजा सत्यनारायण प्रभो भ्रष्ट प्रतिज्ञा आए भ्रष्ट तुम हमारे कहीं करके पूजा नहीं किया तुम्हें बारम्बार भ्रष्ट हो गए कब भगवान को लेने लगे यहाँ जब पता नहीं तुमने किया कष्ट देना शुरू कर दिए जिस राज्य में व्यापार करते तो राज्य के रात की चोरी हो गई माया को कुछ होते राज्य के धन को चुरा करके हम सुबह अच्छी आराम कर रहे थे बसे हुए थे धर्मशाले में माया को पीछे वहाँ रख दी हम बढ़िया सो रहे क्या जाने भगवान क्या कर रहा हमारे साथ बड़ा सवेरा हुआ हल्ला हो गया कि रात कोष में चोरी हो गई राज्य के सिपाही छुपाए छोटे देखे माल बरामद हो गया जब वैश्य बनियन के पास माल बरामद हो गया तो आप खरीद डाले कहाँ राजा के पास चोरी नहीं किए वो चोरी के भगवान को उठा दिया बोला महान चोर है वहाँ तो गए कारागार ही वहाँ विचार कर विचार करने की कोई आवश्यकता ऐसे थे लगा के कारागार में डाल नाम ज़्यादा लेना वो जब थोड़ा देना नंबर है नंबर कहाँ है याद ही दिया थोड़ा फूजी से परेशान नहीं अब जो कारागारी है गलत ये करने लगे कौन जो घर में है बीला पाचना परदेश में वो जेल चले गए जेल इधर एक एक गाने के लिए भटकती लगी लीला रोज कर लो भगवान के साथ अपराधी एक है वैश्य बनिया जिन्होंने संकल्प किया कि कथा सुनेगी कथा नहीं सुना इतना बड़ा श्राद्ध पाप किया कि एक एक गाने के लिए भटक और बेचारी क्या करे पत्नी यादि व्याधि सुन कन्या चिंता प्रभु जब आग्रह गए अन्य की चिंता से घर घर दीक्षा मांगने लगी कन्या कलावती एक दिन दीक्षा रटन करने जा रही थी देखा भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजन हो रही है वही बैठ गई कथा सुनने लगी कथा सुनते सुनते शाम हो गई शाम को जब घर पहुंची उधर माता जी डांटने लगी कितनी रात तुम कहा रही थी तुम्हारे मन में क्या है पिता परदेश में तुम्हारे पति भी परदेश में है आज भी धर धर घूमती हो माता जी के कहा नहीं मानती डांटने लगी क्रोधित होकर के बोली माँ किसी प्रकार की चिंता न करो मैं गए भगवान विष्णु की पूजन हो रही थी वहीं बैठ गई कथा सुनने लगी कथा समाप्त हुई प्रसाद पाई तब घर आई आचार से छोड़ के प्रसाद देती है माताजी तब उसे याद होता है बड़े दुख के साथ कहती कि बेटी जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारे पिताजी बदे रहे कि कोई संतान होगी कथा सुनने लगी संतान हो गई शादी ब्याह कर दिए पिता को विदा कर दिए दमाद को लेकर परदेश चले गए खाने कमाने आज हमारे घर में कथा नहीं न जाने कच्चा देवत है न जाने वही देवताओं का प्रकोप है कि आज इतने बड़े आदमी होते हुए आप दर दर की ठोकर खा रहे भिक्षा रटन कर रहे पेट भर भोजन नहीं मिल रहा उनका तो कोई पता नहीं बीतता गए होगा परदेश मरे जी को कोई पता ही न घर आने की सुझे ले राजा विनायक आया
करके हमारे कुछ महानी ये तय नहीं मिला है, किसी का इसमें कोई दोष नहीं। अब जब वहाँ से तुम चले कारागार से बंद है, अब हम बुरे मन में सोचते रह गए। अब यह लीला अपनी कलावती भी परेशान हो गई, एक दिन अपने मन प्रसाद खाया जल दिया, सोचा भी हम कथा जब कथा श्रवण करने के लिए इच्छा बनाई, कथा में बैठ गए दोनों महाकाल विद्या। तब भगवान धर्म राजा उनका मुख्य श्राप छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्न होता है, स्वप्न देते हैं कि प्रातः काल होते हैं दोनों पास को छोड़ दो बनिए मंदिर दो सौ अन्य बड़े सवेरे धन पुत्र सब नष्ट कर दो। राजा बड़बड़ा गया, मेरा उत्तम नौकर का को बुलाए बोला आज हमको ऐसा स्वप्न है, स्वप्न साजिश भी होते तुरंत आज दे दिया जाओ वैसे बच्चे को छोड़ के ले आओ। सिपाही लोग गए बस बनिए छोड़ कर गए, राजा के पास लाए हाथ थोड़ा खड़े रहे, यहाँ तक तो जेल में रहे रोटी पाते रहे। आज राजा राजा जो भी अगर चल इनकी ओर तेरी आज फांसी की सजा को देगा, यही मर जाएंगे घर में नहीं पहुँच पाए। ये चिंता के मारे कांप खड़े रहे। राजा बोला दया का काश मान, हमने आपको कुछ नहीं दी, ये भगवान की माया है, आपको जो कष्ट दिया है भगवान ने दिया। तुरंत नाई बुलवाया, छोड़कादि कर्म करवाया, वस्त्र आभूषण दिया, अनेक प्रकार के बाणी से संतुष्ट किया। बोला सीधे अपने घर जाए, बीच में कहीं व्यापार न करना, वहाँ तो छोड़ा बहुत सुंदर चांदी हीरा जवाहरात दिया था, हम उनका छीन लिया था राजा, उसका डबल दे के उनके पूरा कर। बोला सीधे अपने घर में जाइए, निज माने अपना आश्रम अपने घर सीधे अपने सत्यनारायण भगवान की जय, श्री रघुनाथ स्वामी की जय। अपने घर के लिए वहाँ से नाव में पूरा सामान ला दे और अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब वहाँ लीला अपनी कला दोनों कथा में बैठी कथा सुन रही है, घर के लिए गांव में आए, एक किलोमीटर दो किलोमीटर रह गए तो घर के लिए संदेशा देते हैं, जाओ सिठानी को बता देना कि सेठ जी बहुत भाग मेरा संपत्ति लेके आ रही है। मेरा संपत्ति तो बहुत लिए है पर घर में कथा तो हो रही है, कथा में दोनों बैठे यहाँ जो जो समाचार पाया कथा को किनारे किया, दौड़ पड़े धन डेरा लेने ले। सेठ जी को देखे भगवान दुष्ट हो गए, नाराज हो गए, नाराज हो गए तो बोले कि जाओ जाती हो तुम्हें पति का दर्शन नहीं हो, कलावती क्या है वो भी गए। चली जाती है देखती है नाभिक खुलेगा ठंडेरा देखे पिताजी को देखे पर पति नहीं, जब पति नहीं पति को भगवान आलोक कर दिए छिपा दिए, रुदन बच गया रोने गाने लग गए खुशी में मातम छा गई। जिस पत्नी का पति न हो संसार में उससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, मातम छा गया महासुर का लोग हमें शोक से क्या अस्त हो गया भगवान। आपकी माया से ब्रह्मा देव आपके बिना रूप को नहीं जान सकते, तो आपसे मोहित में आप कैसे, आप प्रसन्न हो जाइए अपनी शक्ति और अनुभव के साथ भगवान सत्यनारायण के पूजन करूँगा। सती होने से पति नहीं मिलेगा, पहले सती प्रथा चलती थी, पति के साथ पत्नी को सती कर दिया जाता था, आकाश मंडल होते आकाशवाणी होती है, पुत्री सती होने से पति नहीं मिलेगा। आप सीधे घर जाओ भगवान की पूजन करो उनका प्रसाद ग्रहण करो, आप पुनः से आओ आपको पति मिल जाए। सीधे घर जाती है भगवान को प्रसाद दिया, बढ़िया कथा श्रवण किया, उनका विसर्जन किया, दोनों मत
माता जी और कन्या, अब प्रसाद लेके उनका विसर्जन करके जब पुणे से जाती है तब उनकी है और पिता जी कभी कभी कहाँ संतुष्ट सुधा कन्या कैसे भक्त शंकर के वैसे संतुष्ट हुए विधि विधान से पूजन कर अपने घर पर जाते हैं। और हर पूर्णमासी पूर्णमासी संक्रांति को सदैव ये नियम बना रही भगवान सत्यनारायण के पूजन का करना यह लोक में शुभ होकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। पूजा करी संहिता बाहर और हर एक पूर्णमासी पूर्णमासी संक्रांति को सदैव यह नियम बना लिए हम भगवान सत्यनारायण के पूजन करना। महीने में एक पूर्णमासी होती है, हर पूर्णमासी को प्रथम के धर्म होने लगे या लोग जो शुद्ध होकर अंतिम सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय और यह श्री सत्यनारायण भगवान की जय। त्रिमलाना स्वामी की जय। और नमो भगवते वासुदेवाय भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख है, इसमें मन में जाकर के अनेक प्रकार प्रसाद मानकर भक्त के नीचे बैठकर जा देते हैं कि भक्त भाव से लोग भगवान सत्यनारायण की पूजन कर रहे हैं। पूजन को देख करके राजा पर यह संस्कार है, अहंकार ही भगवान का भगवान है, अहंकार कभी किसी को कार्य नहीं होता। देखिए मन में जाकर के प्रसाद बांटने का बहुत बड़ा फल होता है, चाहे प्रसाद थोड़े ही मिले या तो क्या मेरे विषय कुछ ना मान साथ बिना कहा भक्त श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण के प्रसाद ग्रहण करने लगे। राजा को प्रसाद दे के स्वयं प्रसाद ग्रहण करने लगे। राजा सोचता हूँ इतने बड़े राज्य के राजा अब इक्वल के प्रसाद के संगे ग्रहण करी या प्रसाद का वहाँ छोड़ के सीधे घर घर जाके कार्य करी इसलिए हमारी दशा हुई है। भगवान सत्यनारायण के विधि पूर्वक ये लोग में शुभ होकर अंतिम वैकुंठ लोक यही धर्म प्रिय सत्य कथा परम दुर्लभ। ये भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग से ऐसे दिन आते हैं जब भगवान की चर्चा सुनने के लिए भगवान समय देते हैं। ये तो आज के परिवेश में समय नहीं रात्रि में तली बना है भगवान का ध्यान नहीं। एक मिनट का ये जीवन फुर्सत नहीं है गृहस्थी के कारण कि भगवान का थोड़ा ध्यान दे, घर घंटा भगवान के भजन न हर सब कुछ भजन भगवान जी दिन भर भक्ति रहते हैं। भक्ति भाव श्रद्धा से विधि विधान से भगवान से तय करे या लोग होकर भक्ति होकर के भगवान से प्राण के साथ मन करें जब संतान की प्राप्ति होती है बंदी बंधन से उनका सत्यनारायण भक्त भगवत मान बाहा कहते हैं भी देवदाम मन आपसे क्या कहूँ भगवान सत्यनारायण वृत्ति कही जिसको कर्म जैसे मनुष्य सभी दुखों से छूट जाते हैं। विशेष कहा विशेष करके कलयुग में बड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं निकल। भगवान क्या कहते हैं या एकदम पाठ है तो नित्यम नित्य माने पाठ पाठ है देव भाषा भगवान की भाषा है देव भाषा में भगवान
महाराज का बड़ महाराज है तो समझ समझे नहीं, तो समझावे के लिए मैंने हिंदी बताए थे महत्व ये भाषा का या एकदम पाठ है तो नित्यम थोड़ी ताकत सुना नहीं पापा नहीं सकते कहा ये पाठ को ग्रहण कर लेने से ये कथा के पाठ को सबर कर लेने से जो मैंने की महाराजों ने बहुत सरधम भवे तो संकोचन थे राजा थे जिससे होते हैं की पूजा करके बैठक होते हैं जो भगवान का पूजी करने कांड करके बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की ध्यान
पान में डालना आर्यन नमो नमो
दो 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 निकाल, पैसा दो, दो। बस पंडित जी हम शुरू है, हम अपना स्कैन है। वही पंडित जी इतना खूब है, खूब तो बहुत है अपने हाँ, तो वो तो माइत पे कुछ नहीं है। बस पंडित जी इतने में बस करी, 20 रुपये रख दो, 20। खड़े जाओ उसका चढ़ा दो, फिर बाद में देखते रहेंगे। ब्राह्मण का भोजन है, हवन है, भाई तू काट दे गौरी गणेश का पकड़ से हिला दे, कल का हिला दे, भगवान की आंखें हिला दे, फूल हिला होता और अच्छा है। Thank you.
लाल खेले अटरिया Yeah.
सुरे मारो ते सासू से काते अम्मा से काते जाने सवेरे गुने गुने मामा गाई दे अम्मा से काते जाने सवेरे गुने गुने मामा गाई दे तत्काए रोए रे ललन मा सवेरे गुने गुने मामा गाई दे देव दाजे ठी से कहते ससुरे माँ हो देव दाजे ठी से कहते भाभी से कहते लजाने उन सबेरे गुने गुने मामा गाई दे भाभी से कहते लजाने उन सबेरे गुने गुने मामा गाई दे राती कहे
अच्छा लगा नहीं काज पीछे अच्छे से लग गया हो तो पूरे तो मजेदार है। सबका वीडियो बना। बैठो बैठो तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। सिद्धौरा ऑरेंज लगा देखो मम्मी मैं सब नहीं रेड सिंदूर है इसमें दोनों भरा है और बड़े सिंदूर लगा दो। बधाई हो ललना थोड़ा लंबा वाला लगा वीडियो मोली या थोड़ा इज्जत मैं भी दे दूं इधर बात नहीं करना इधर देखो बस दीदी कांधे में हाथ डाल के खड़ी। अरे वो लंबा है हमसे कांधा तो मान ना खड़े रहो ना भी तुमसे लंबा हूँ मैं आज हम भी बराबर हूँ। बड़ी गजब की फोटो हमने मॉल का ही मार रही अभी नहीं ये हटा दीजिए दिया वाला एक रुकिए अभी नहीं एक मिनट रुकना रुकना मैं अभी वीडियो बनाऊंगा अच्छा वाला मुंह से बोल है हां रुक चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे दोनों लोग देखो देखो आर्यन मम्मी अलग से दे दी थी उसे देखो देखो दोनों लोग इधर हाँ कैप्चर हुआ। अरे फोटो नहीं आई बेचारे का मुख खाना चाहिए मैं भी खिला देती हूँ अब इतना हो गया है तो थोड़ा सा और अब मैं आ गई ना इतना हो गया तो थोड़ा सा और हो जाओ मोबा में है निकल नहीं रहा दीदी चलिए बनारस वाला आमने सामने कोई
So beautiful, so elegant, just look at it. Wow! Wow, my hair is coming. जस्ट ये पूरा फोटो भी अच्छी आया ऐसे लग रहा है दीदी चलिए अपना खवाई हूं हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे आर्यन हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू हां रुक जा देख लो वीडियो में इज्जत करनी पड़ेगी तुम्हारी वही तो मैं भी देख रहा हूँ तेरा भाई आपकी